भरतपुर के डीग स्थित जल महल को भी तिरंगे की जगमग रोशनी से सजाया गया। पर्यटकों के बीच ये नजारा आकर्षण का केंद्र रहा। इस रोशनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जल महल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तिरंगे को सलामी भी दी। यही के डीग के स्थानीय निवासी हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे जल महल तो विश्व प्रसिद्ध हैं और इस बार तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये हुई कि हमारे पूरे भारत में 100 करोड़ का जो वैक्सीन का पूरा हुआ है अभी लक्ष्य हमारे सरकार का और उसमें जो 100 ऐतिहासिक जगहों में हमारी डीग के जल महलों को लिया गया बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आकर के मतलब स्थानीय निवासियों को तो अच्छा भी लगता है, बाहर के काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए और जो आज का ये जो नज़ारा है वाकई बहुत खूबसूरत है।